डियर स्टूडेंट्स, मेंस का टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स में हम लोग इन कर चुके हैं, जनरल स्टडीज में जीएस पेपर वन में दूसरे खंड में सेक्शन टू में, जिसमें पांच क्वेश्चंस रहेगा, तीन क्वेश्चंस आपको लिखना होगा। तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम लोग इन कर चुके हैं। साथ ही हम बता दें, कल भी हमने सारा टॉपिक डाल दिया था, पहले टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं, जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में सब एक साथ टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे जीएस मास्टर चैनल, वहां पे आप जाकर सारे टॉपिक्स दो तीन चार घंटे पहले देख लेंगे। कभी कभी यूट्यूब पे नहीं होते हैं, टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। चलिए, जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उसमें जीएस पेपर वन में दूसरा खंड में करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक कल रात में आ गया है, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से, कि यह क्राइसिस क्यों आया और इसमें वर्ल्ड ऑर्डर, जो विश्व के देश हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, साथ ही भारत ने क्या किया। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूरोपियन यूनियन है, सारे लोग श्रीलंका पर टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं। तो अभी भी ये क्राइसिस चल रहा है। सारे घटनाक्रम को अच्छे से समझना है कि श्रीलंका में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की पटकथा, पूरा जो डेप्थ है, इसे आपको समझना है। अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया है, श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है। करंट में कुछ क्वेश्चन यूजुअली एक्सपेक्टेड है, प्रश्न क्या आएगा उस पर तैयारी करना होगा, लेकिन टॉपिक कन्फर्म है। जैसे एनवायरमेंट पे हो गया, इंटरनेशनल समिट पे हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई बैठक हो गई, कोविड हो गया, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कोई बड़ा डेवलपमेंट जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, उस पर एक प्रश्न हो गया। भारत सरकार की कोई ऐसी योजना हो, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना हो गया, या हरित संकल्प ऐप हो गया, इस तरह की भारत सरकार की कोई इनिशिएटिव योजना, उस पर प्रश्न है। तो पांच में से दो आप छांट सकते हैं, तीन आ जाता है। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 टॉपिक्स करने होंगे, होपफुली ये सेगमेंट आपका कवर करेगा। अब वही बात आती है कि ये सब कंटेंट हम कहां से करें। तो ये सब मंथली मैगजीन में रेगुलर आता रहता है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि हो, क्रॉनिकल हो, इस तरह के मंथली मैगजीन्स में ये सब टॉपिक्स रेगुलर आता है। लेकिन साल भर तो आप कभी लेते नहीं है मैगजीन, तब वार्षिकांक इस तरह का टॉपिक वाला, चाहे दृष्टि का हो, क्रॉनिकल का हो, दर्पण का हो, या इस तरह की किसी भी संस्थान का आएगा या आता रहता है वार्षिकी टॉपिक्स मेंस के लिए। हमारे पास जब भी सूचना आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, सो डोंट वरी। इस बीच आपको इसी वार्षिकी पर डिपेंड रहना होगा, या कहीं का नोट्स लेना होगा, या किसी से हेल्प लेना होगा, या यूट्यूब देखना होगा। ये सारे कंटेंट को करने के लिए हम फिर से कहेंगे, जहां चाह वहां रहा। अगर आपको लग रहा कि ये सब हम कहां से करें, तो हमने आपको बता दिया, एक वार्षिकी ईयरली मैगजीन लेना होगा, जिसमें पीछे के मेंस के लिए बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, या फिर आपको कोचिंग संस्थान के नोट्स, या फिर किसी टीचर या मेंटर से आपको हेल्प लेना होगा। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमने मौर्य काल में इन किया है, मौर्य काल को ऐसे होल समझना है, हमने फिर से आपको कह दिया, इसमें कोई कठिनाई है, हिस्ट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं है, पूरे टॉपिक को आपको समझना है। स्रोत सबसे पहले कि हम कैसे मौर्य काल को जानते हैं, तो ऐसे भी मौर्य काल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभिलेख है, शिलालेख है, स्तंभ है, इनके द्वारा ही मौर्य काल को हम समझते हैं, यानी उत्खननीय साक्ष्य या रिटन डॉक्यूमेंट्स या विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सभी है। तो स्रोत सबसे पहले कीजिए, उसके बाद इनके शासकों को कर लीजिए, उनका प्रशासन कर लीजिए, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अशोक बहुत महत्वपूर्ण है तो उनका धम्म कर लेना है, और फिर फाइनली इसका पतन, डिक्लाइन, बस इतना कर लीजिए। प्रश्न हम उसके बाद का नेक्स्ट, इस पर प्रश्न बनाकर आपको देंगे, उसके बाद आपको राइटिंग करना है। आज जो हमने टॉपिक दिया 24 घंटे का, उसमें आपको ये कंसेप्ट बिल्ड करना है कि मौर्य काल कब से कब तक था, और कैसे उद्भव से लेकर पतन के बीच का पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। ये हो गया। हिंदी साहित्य में आइए, हिंदी साहित्य में हमने सूर में, सूरदास में इन किया, कबीर कर चुके हैं, गोदान कर चुके हैं, प्रेमचंद, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे भी एक प्रश्न रखा हुआ है। जब क्वेश्चन रखा हुआ है तब बताइए, ये समझाने की आवश्यकता है कि आप कैसे पढ़ें, कैसे इसे हम अच्छे से नोट्स के रूप में डेवलप करें, कैसे राइटिंग स्किल्स डेवलप करें। जो एक मंत्र है वो ये कि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, कबीर और सूर दोनों से प्रश्न आएगा, संभवतः तुलसी से भी आएगा, तो इनसे तो प्रश्न आएगा ही, तो इस खंड को कर लीजिए। अब आज हमने सूरदास दिया है, तो इनके भ्रमर गीत सार को 200 पद है, उन्हें आपको पढ़ना समझना है, इन कविताओं के मर्म को आपको समझना है, कहीं पर वात्सल्य है, कहीं पर प्रेम है, कहीं पर वाग विदग्धता है, कहीं पर चतुराई है, कहीं पर समर्पण है, कहीं पर सगुण भक्ति है, तो ये सब आपको खंड खंड करके समझना है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस तरह से कहां पर वाग विदग्धता का प्रयोग किया है, कहीं पर सहृदयता दिखाई देती है, कहीं पर वात्सल्य है, कहीं पर प्रेम है, कहीं पर सगुण भक्ति और समर्पण है, ये सब आपको टॉपिक्स में समझना होगा, तब हम प्रश्न बनाकर आपको देंगे, तब लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो इस तरह से आपके तीन टॉपिक्स हो गए, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और जीएस का करंट अफेयर्स। इसे कंप्लीट कीजिए, ये मत कहिए फिर हम कहेंगे
जो विजेता होते हैं वो ये नहीं बोलते कि रास्ते में ठोकर थे, बाधा था, दूरी थी, धुंध हो गया था, लोग गिरा रहे थे, ताने कस रहे थे, हम कैसे करते, हमारे पास संसाधन नहीं था। करने वाले सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते हैं। अर्जुन बन जाइए। टेक केयर।